सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कुछ लोग आपसे इसलिए भी ईर्ष्या करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। छूले आसमां, जमीन की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। किसी का भला करके देखो हमेशा लाभ में रहोगे, किसी पर दया करके देखो हमेशा याद में रहोगे। आज का पंचांग 13 मार्च 2024 दिन बुधवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि रात्रि 1:26 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र शाम 6:24 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:36 से 2:02 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 13 मार्च 2024 दिन बुधवार, आज अपने सिद्धांतों की व्याख्या और पुनर्मूल्यांकन का दिन है। आप पिछले फैसलों के लिए खुद से और अपने साथी से भी सवाल कर सकते हैं, फिर भी आप उसके प्रति बहुत अच्छे बने रहेंगी और उससे भी बदले में यही उम्मीद रखेंगी। जब पुराने विचारों से कोई काम बनता दिखाई ना दे रहा हो तो नए विचारों को अपना लेने में कोई बुराई नहीं है। जो रिश्ते काम नहीं कर रहे हैं आप उनसे नाता तोड़ सकते हैं। दिल के मामलों में उदासीन महसूस कर रहे हैं लेकिन आपका कार्य संबंधित जीवन बहुत अच्छा है। अपनी कड़ी मेहनत से मिली पहचान का मजा ले, आपको एक सक्षम डीलर के रूप में देखा जा रहा है। आज आप बहुत कुछ हासिल करेंगे, जल्दबाजी में आपका नुकसान ना हो इसलिए अपने ध्यान को केंद्रित करें। अपने करीबी लोगों की सलाह को मानें क्योंकि यह सलाह आपकी मदद कर सकती है। अपने व्यक्तित्व उत्साह और दृढ़ संकल्प से सबका दिल जीत लेंगे। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकती वे कुछ नहीं बदल सकती। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोई पुराना मित्र आज आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है और यदि आप उसकी आर्थिक मदद करते हैं तो आपके आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं। बच्चे भले ही आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हों लेकिन साथ ही खुशियों की वजह भी साबित होती हैं। आपका साथी आपको पूरे दिन याद करता रहेगा। उसे कोई प्यारा सरप्राइज देने की योजना बनाएं और इसे उसके लिए एक खूबसूरत दिन में बदल सकते हैं या बदलने के बारे में सोच सकते हैं। पेशेवर तौर पर आज का दिन सकारात्मक रहेगा, इसका भरपूर उपयोग करें। अगर आप किसी विवाद में उलझ जाएं तो टिप्पणी करने से बचिए। आपका जीवन साथी आपको प्यार का एहसास देना चाहता है, उसकी मदद करें। आपकी नई तकनीक से विशेष कार्य योजनाएं बनेगी। लोगों की परवाह ना करके अपनी योग्यता अनुसार कार्य करें, आपको सफलता हासिल होगी। सामाजिक गतिविधियों में भी योगदान देंगे। दूसरों के निर्णय को किस हद तक महत्व देना है यह आपको तय करने की जरूरत है। इन लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े लेकिन कुछ निर्णय उनको ही करना है, इसलिए दूसरों के व्यक्तिगत जीवन से दूर रहें। कठिन समय में करीबी लोगों का साथ देना होगा। करियर संबंधित प्रसन्नता बनी रहेगी। रिलेशनशिप से जुड़ी परेशानी जिन लोगों की वजह से है उनसे दूर रहने की कोशिश करें। किसी भी काम का असर अपनी नींद पर ना होने दें। आज के दिन आपके लिए बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाने के लिए रहेगा। आप अपने खर्चों को लेकर परेशान रहेंगे और पिताजी आपसे खर्चों का लेखा जोखा मांग सकते हैं। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। यदि आपने किसी पुरानी योजना की शुरुआत की थी तो वह गति पकड़ सकती है। आप परिवार के सदस्यों को लेकर किसी पिकनिक आदि पर जा सकते हैं। पारिवारिक झगड़े चल रहे थे वह आज दूर होंगे और आप जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आ सकते हैं। सावधानियां, अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे अवश्य पूरा करें, अन्यथा लोगों के समक्ष आपकी छवि बिगड़ सकती है। बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। उन्हें सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। अचानक किसी प्रिय मित्र से मुलाकात भी हो सकती है। खुश मिजाज रहकर संबंधों का आनंद लेने का समय है। आपका स्वभाव हमेशा गंभीर रहा है
लेकिन अब आप संबंधों के बारे में और भी अधिक सोच रहे हैं। सब चीजों में छुपे हुए अर्थ ढूंढना बंद कर दें। इसके स्थान पर खुश मिजाज रहें और वर्तमान समय का आनंद लें। परेशानियों और अपेक्षाओं के बोझ के नीचे दबकर संबंधों से सारी गर्माहट और खुशमिजाजी को मरने न दें। आज आप सामाजिक सर्कल से कट ऑफ करने और अकेले रहने के मूड में हैं। आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। रिश्ते में तनाव को जगह न दें, इससे रिश्तों में दरार आ सकती है। याद रखें, बेजान रिश्ते और बासी फूल जीवन को कभी भी महका नहीं सकती। प्रियजनों की सलाह पर ध्यान दें क्योंकि आपको इसकी सख्त जरूरत है। आज आप अपने लवर से अपने सपनों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके सितारे बता रहे हैं कि समय के साथ आपका रिश्ता गहरा होता जाएगा। जब आप अपनी अंतरात्मा की सुनना सीखेंगे तब जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे, खासकर जब यह रिश्तों से जुड़े हों। बात करते हैं करियर की। कई दिनों तक लगातार काम करने के बाद अब परिणाम का समय है। आप अपने कौशल का प्रदर्शन कर चुके हैं जिससे आपके अधिकारी भी प्रभावित हैं। आज सरकारी एजेंसियां, बड़े निगम आपके लिए लाभ का संकेत लेकर आएंगी। जीतना सब कुछ नहीं होता, बल्कि जीतने का प्रयास करना सब कुछ है। यह आपको अपना काम संगीत की तरह लग सकता है और यह आपको मिल रही सफलता के कारण है। आपको अभी बहुत कुछ हासिल करना है, इसलिए अच्छे से कमर कस लें। आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि सब लोग आपके साथ सहज महसूस करते हैं। आपके नजदीकी लोगों को आपकी जरूरत है, इसीलिए उन्हें भी कुछ समय दें। आपका भाग्य आपके वित्तीय उपक्रम को पूरा समर्थन दे रहा है एवं आपकी नौकरी भी काफी अच्छी है, परंतु आपको अपने धन पर ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे ही हम सब जानते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। आपके खर्च करने की आदत से आपको अपने निकट के व्यक्तियों से आलोचना सुननी पड़ सकती है। ये समय उनके सुझावों को मानने का है और साथ ही साथ अपनी खर्चीली आदतों को कम करने का भी। व्यवसाय में आपकी मेहनत और परिश्रम का उचित परिणाम मिलने का समय है। अधिकतर व्यवसायिक कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे, लेकिन टैक्स और लोन संबंधित मामलों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोग अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करें। बात करती है सेहत की। बैठने की गलत मुद्रा के कारण आपको आज गर्दन तथा कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। बैठने के दौरान अपनी मुद्रा का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए एक कुशन भी रख सकते हैं। आज आपकी ऊर्जा जरा कम ही है, इससे घर तथा ऑफिस में भी आपका काम प्रभावित होगा। आज आप अपने दैनिक कार्यक्रम में फिटनेस संबंधित कोई काम शामिल कर सकती हैं। आज का उपाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन हरे रंग की चीजों का उपयोग करना चाहिए। हरे रंग की चीजों का इस्तेमाल करने से भगवान गणेश खुश हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।